कोका कोला की एम्प्लॉई जो कि अपने काम से खुश नहीं थी एंड उसे और पैसे चाहिए थे, इसलिए विलियम्स ने एक डेयरिंग प्लान बनाया कोका कोला की सीक्रेट रेसिपी को चुराने और उसे कंपनी के सबसे बड़े राइवल पेप्सी को बेचने का। उसने अपने दोस्तों की मदद ली जिन्होंने प्रिटेंड किया कि वो कोका कोला के हाईली रैंक्ड एग्जीक्यूटिव है और कोका कोला की सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिनमें सीक्रेट रेसिपी भी शामिल है उसे बेचना चाहते हैं। पेप्सी ने उन पर भरोसा न करके और इसे स्कैम समझकर FBI को कांटेक्ट किया। FBI ने भी उनके साथ एक खेल खेला और प्रिटेंड किया कि वो पेप्सी के रिप्रेजेंटेटिव है और जोया के दोस्तों से मिलने और स्टोलन रेसिपी को खरीदने की बात की। जोया और उसके दोस्त मीटिंग के लिए आए ये सोचते हुए कि वो आज करोड़ों रुपए लूट लेंगे। विलियम एंड फ्रेंड्स ने मीटिंग में एक बॉक्स प्रेजेंट किया, लेकिन जब FBI ने उस बॉक्स को खोला तो उसमें गर्ल स्काउट कुकीज एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनमें रियल बट आउटडेटेड मार्केटिंग मटेरियल्स एंड कम्प्लीटली पैक रेसिपी थी। FBI ने जोया और उसके फ्रेंड्स को अरेस्ट किया। कोका कोला की रियल रेसिपी आज भी वॉल्ट में सेफ है जिसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लेयर्स मौजूद है। उम्मीद है जा